वृंदावन कोई आया तो कुछ लोग तो व्यवहार पूरा करने आते हैं, चलो सब लोग चल रहे हैं तो अपन भी चले। भगवान से आप लोग क्या कर रहे हैं, भगवान को आपने पुष्प चढ़ाया, पुष्पम समर्पयामि, तुलसी चढ़ाई, पत्रम समर्पयामि, आपने भगवान को ये जो सब चढ़ाया ये क्या था, मैं आपके घर में आऊं, आपके गुरुजी आपके घर में आए तो आप अपने गुरुजी के चरणों में भी पुष्प समर्पित करते हैं, वो आपका व्यवहार होता है। आप गुरुजी आए हैं तो गुरुजी के लिए दूध लेके आएंगे, बादाम काजू लेकर आएंगे, हलवा बनाएंगे, खीर बनाएंगे, तो वो सब आपका क्या है, वो गुरुजी के प्रति आपका अच्छा व्यवहार है। आप वही व्यवहार भगवान से करते हैं, पुष्प भगवान को चढ़ाए, तुलसी भगवान को चढ़ाई, और व्यवहार चलो एक दिन करें तो चलो ठीक है, अब सारी जिंदगी आप लोग व्यवहार ही करते रहेंगे भगवान से तो प्रेम कब करेंगे। राम ही केवल, जोर से, राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को केवल प्रेम पसंद है। गोपियां भगवान से क्या करती हैं, भरत जी ने भगवान से क्या किया, मीरा जी ने भगवान से क्या किया, तुलसीदास जी ने भगवान से क्या किया, सूरदास जी ने भगवान से क्या किया, रैदास जी ने भगवान से क्या किया, रसखान ने भगवान से क्या किया, नरसी जी ने भगवान से क्या किया, शक्कोबाई ने भगवान से क्या किया, सबने प्रेम किया, और आप क्या करते हैं व्यवहार। जबकि व्यवहार पत्नी से करना है, पति से करना है, बेटे से करना है, प्रेम भगवान से। आप लोग ना बंटवारा नहीं कर पाते, क्या कि जिसको जो देना वो आप उसे नहीं देते, उल्टा उसकी चीज उसको दे दिया, अब पत्नी से प्रेम कर लिया, माँ से प्रेम कर लिया, बाप से प्रेम कर लिया। आजकल के माँ बाप बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, मेरा बेटा मेरा बेटा। अरे बेटे से अच्छा व्यवहार करो, दूध पिलाओ, पाल पोस कर बड़ा कर दो, पढ़ाओ लिखाओ, तुम चाहो ना चाहो जरा उसे समझदार तो होने दो, पत्नी तो आने दो, अपने आप उसका अटैचमेंट आपसे धीरे धीरे कम हो जाएगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आप इस परिवर्तन को माने ना माने। अब आप बेटे से प्यार करते, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, तुम्हारा नहीं रहा, अब शादी होने के बाद वो अपनी लुगाई का हो गया, अब तुम्हारा नहीं बचा कुछ। ये व्यवहार है, ये संसार की कड़वी सच्चाई यही है, आप मानो। अब आप माँ बाप की गलती, बेटा आपकी तरफ देखता नहीं है पलटकर, बहू आपकी तरफ देखती नहीं, और आप पीछे भाग, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, क्यों भाग रहे हो पीछे, जितने पीछे तुम बेटा और बेटी के पीछे भागते हो, काश इतना भगवान के पीछे भागे होते तो कल्याण हो जाता मेरी माँ। बेटा बेटी से प्रेम करोगे तो सारी जिंदगी तुम्हें रोना पड़ेगा, इसलिए शास्त्र कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार दो, और बच्चों के आश्रित ना रहो। आप, आपकी पहली गलती यह है कि आप बच्चे पैदा ही इसलिए करते हैं कि बड़ा हो, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, मतलब मैं बेटे के आश्रित रहूंगी, मैं बेटा के आश्रित रहूंगा। आपकी थिंकिंग शुरू से ऐसी होती है कि मैं अपनी औलाद के आश्रित रहूंगा या रहूंगी, पहली गलती है। आप पैदा ही इसलिए करते हैं, दो दो चार चार बच्चे, एक नहीं करेगा दूसरा करेगा, आप ये थिंकिंग के साथ बच्चे पैदा करना बंद करो। तो क्या आश्रित, कब आप बेटा और बेटी के आश्रित रहते हैं इसलिए दुखी रहते हैं, भगवान के आश्रित रहकर देखिए संसार में कोई दुख आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता।